हमारे साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्यन जैन। सत्यन जैन जी, पिछले दिनों अगर देखा जाए कोरोना के मामलों में थोड़ी गिरावट आई है, अगर मोटे देखे थोड़ा ऊपर नीचे होती है, लेकिन कोरोना के मामले धीमे धीमे कम होते जा रहे हैं। जैसा कि एक्सपर्ट ने भी कहा कि दिल्ली में पीक आ चुका था, अब जो है केसेस जो है कम हो रहे हैं, क्या माना जाए कुछ दिनों बाद अब थोड़े से लोगों को, दिल्ली की जनता कोरोना से राहत मिलेगी? सबसे पहले तो ये बताएं कि दिल्ली में देखो 28,000 तक पर डे केस आ रहे थे, अब कम होकर उससे आधे रह गए, केस आधे से भी नीचे चले गए हैं, और पॉजिटिविटी भी जो 30% चली गई थी अब वो 23-24% पे आ गई है। तो पॉजिटिविटी भी धीरे धीरे कम आ रही है और नंबर ऑफ केसेस भी धीरे धीरे कम आ रहे हैं। पीक लगता है कि पीक तो अब जा चुकी है, जो 28,000 केसेज जिस दिन थे उसको हम दिल्ली का पीक मान सकते हैं। तो अब पीक जा चुकी है, केसेज धीरे धीरे कम आ रहे हैं, पॉजिटिविटी भी कम आ रही है। थोड़े दिन वेट कीजिएगा, जैसे पॉजिटिविटी और कम आती है तो जरूर कुछ ना कुछ लेस होगा। अगर विपक्ष की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, उन्होंने साफ आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने टेस्ट कम कर दिए, इसलिए जो है संक्रमण दर में कमी दिख रही लोगों को। देखिएगा, बीजेपी की सरकार कोई भी ले पूरे देश में, कांग्रेस की कोई भी सरकार ले लीजिएगा पूरे देश में, किसी भी सरकार से टेस्ट कर लेना, हमारे 3 गुना ज़्यादा टेस्ट हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, जितने टेस्ट दिल्ली कर रहा है उनकी यूपी से हम 10 गुना ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, हम बाकी राज्यों से कई गुना ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, जो ICMR ने गाइडलाइंस दी उससे भी कई गुना ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर सबको, किसी को मना नहीं कर रहे, कोई भी आदमी आता है हमारी डिस्पेंसरी में या अस्पताल में, किसी को मना नहीं कर रहे, टेस्ट सबके कर रहे हैं। टेस्ट में गिरावट सरकार से भी ज़्यादा हाथ में है, कि जब जैसे केसेस बढ़ रहे थे तो जिसको भी खांसी जुकाम बुखार है वो तुरंत जा रहा था टेस्ट कराने, अब लोग ठीक हो गए, अब पॉजिटिविटी कम हो गई, अब बीमार कम है तो थोड़े टेस्ट कम हो गए। अगर मैं पाबंदियों की बात करें, यद्यपि दिल्ली सरकार की बात करें, चाहे कोई भी सरकार हो, जनता के हित में पाबंदियां लेती है, लेकिन जहां पे दिल्ली कुछ व्यापारी वर्ग, खासकर सदर बाजार के जो व्यापारी हैं, वो कह रहे हैं कि RD1 हटाया जाए, इससे हमें जो है दिक्कत हो रही है। देखो, दिल्ली सरकार ने प्रोएक्टिवली बहुत सारे मेजर्स लिए, सारे स्कूल्स बंद किए, कॉलेज बंद किए, सिनेमा हॉल बंद किए, रेस्टोरेंट्स को भी बंद कर दिया, नाइट कर्फ्यू लगाया, वीकेंड कर्फ्यू लगाया, और दुकानों को ऑड इवन किया। तो सारे मेजर्स लेने से, मतलब एक तरफ से हमने पाबंदी लगाई, दूसरी तरफ से अस्पतालों की तैयारी की, इन सारी पाबंदियों की वजह से दिल्ली में देखो अभी कोरोना कम हो रहा है, पीक से आधा नंबर केस पे आ गए हैं, और आपके जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी धीरे धीरे कम आ रही है। परंतु अभी भी ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल डेंजर जोन से बाहर आ गए हैं, अभी भी पॉजिटिविटी 20% से भी ऊपर है। थोड़े दिन वेट कीजिएगा, और अगर जितनी तेज़ी से चढ़ा था उतनी तेज़ी नीचे करता तो जल्दी कुछ ना कुछ करेंगे। जिस तरह से जो है केसेस कम आ रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि अब जो पीक खत्म हो चुका है, ये माना जाए दिल्ली की जनता को अब जो है पाबंदियों से जल्दी कुछ दिनों में राहत मिल सकती है? देखो, पीक तो चला गया, परंतु अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ ना। आप सोच के देखिएगा, एक दिन में जहाँ पे दिल्ली के अंदर 50 केस आते थे, उसी दिल्ली के अंदर 28,000 केस एक दिन में आए, तो 28,000 के अभी 200, 400, 500 पे नहीं आए, 1,000 पे भी नहीं आए, अभी भी 13-14,000 केसेज आ रहे हैं, अभी भी नंबर है अच्छा खासा, और जल्दी मतलब डाउन जाएगा तो बिल्कुल पाबंदियाँ कम होगी। अंत में प्राइम न्यूज़ के माध्यम दिल्ली जनता के लिए आपका कोई संदेश? देखिए, मैं कहूँगा जैसा कि दिल्ली की जनता ने पिछले 15 दिन से कोविड कंप्लायंस दिखाया है, उसी तरह से अगले कुछ दिनों तक जरूर मतलब मास्क लगाएं, घर से बाहर निकले तो जरूरी काम हो तभी बाहर जाएं, तो इसको परम विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्राइम न्यूज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा, ये थे दिल्ली के